नमस्कार दोस्तों, बुल्सकाई में आपका स्वागत है। आजकल दांतों में झंझनाहट की समस्या एक आम बात है। अक्सर लोगों को कुछ ठंडा या गर्म चीजों को खाने के बाद दांतों में इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको अपने दांतों का देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि दांतों में सेंसिटिविटी होने के कारण क्या है, यानी आपके दांतों में झंझनाहट क्यों होती है। दरअसल दांतों के ऊपर की परत को एनामल कहा जाता है और अंदरूनी परत को डेंटिन कहा जाता है। बाहरी परत यानी एनामल जब उतर जाती है तो डेंटिन बाहरी वातावरण के संपर्क में आने लगता है और दांतों में झंझनाहट महसूस होने लगती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दांतों की झंझनाहट एक आम समस्या है, पर कुछ ही समय के लिए होती है। यह विशेष रूप से क्राउन, दांत भरना या दांतों को सफेद करना आदि प्रक्रियाओं के बाद होती है। बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करने या फिर ब्रश करते समय ज्यादा दबाव देने से दांतों की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। मसूड़े दांतों से पीछे हट जाना, जिससे दांतों की जड़ें बाहरी वातावरण के संपर्क में आने लग जाती हैं। इसके अलावा दांतों में सड़न, दांतों की पकड़ कमजोर होना और टूटा हुआ दांत आदि भी डेंटिन को सामान्य वातावरण के संपर्क में लाने का काम करते हैं और इसी के साथ दर्द भी महसूस होता है। इसके अलावा अगर दांत में पहले से सड़न की समस्या है तो ठंडे और गर्म खाने के प्रति सचेत रहें, इससे दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या हो सकती है। ज्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो इससे भी दांतों में झंझनाहट की परेशानी हो सकती है। ज्यादा मात्रा में मिठाई का सेवन करना दांतों में सेंसिटिविटी का कारण माना जाता है। इसके अलावा सर्दियों में दांतों की झंझनाहट की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए इस मौसम में ज्यादा ठंडा खाने से बचें। इसके अलावा दांतों के झंझनाहट से राहत पाने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि लौंग के तेल का उपाय। लौंग के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और कई गुण पाए जाते हैं जो दांतों के झंझनाहट से राहत दिलाने में मददगार हैं। इसके अलावा नारियल का तेल भी एक बेहतर उपाय है। नारियल के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो दांतों की सेंसिटिविटी को कम करने में मददगार हैं। इसके अलावा आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों की झंझनाहट की समस्या को दूर करने के लिए लहसुन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो दांतों का दर्द कम करने में मददगार हैं। इसके लिए आप लहसुन की कली को चबा सकते हैं। इसके अलावा आप नमक और पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक और पानी का घोल दांतों की झंझनाहट को कम करने के लिए सबसे असरदार तरीका माना जाता है। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिला लें, फिर इससे कुल्ला कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।